नेक्स्ट हमारे पास नर्स इक्वेशन, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नर्स इक्वेशन क्या होती है और आपको वर्बली याद करनी है। अगर मैं कहूं आपसे कि कोई केमिकल रिएक्शन इस तरह से परफॉर्म हो रही है, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन में ए और बी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहां पर एक्स और वाई बना रहे हैं और ये उनकी स्टोइकियोमेट्रिकल कोफिशिएंट है, तो यहां पर अगर आपको नर्स इक्वेशन को, ये क्यों लिखा गया, क्योंकि यहां पर नर्स इक्वेशन में आपको रिएक्शन कोफिशिएंट लिखना होता है, इसीलिए इसको लिखा गया। तो नर्स इक्वेशन प्रॉपरली किस किस को याद है, याद होनी चाहिए पूरे नर्स इक्वेशन। पहले तो कहां काम आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वहां काम आती है जहां पर आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस ना हो। मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन वन कैपिटल एम, मोलारिटी वन कैपिटल एम ना हो, आपका जो प्रेशर है बेसिकली वन एटीएम ना हो, समझ में आ रहा है, वहां पर आपके ये काम आती है। तो अगर हम लोग बोले कि ई सेल क्या है, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आरटी अपॉन एनएफ लॉग ऑफ क्यू। ऊपर क्या लिखते हो, यहां पर लिखा जाता है बेसिकली ये प्रोडक्ट्स, नीचे क्या लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट्स। स्टोइकियोमेट्री के साथ में इसको रिएक्शन कोफिशिएंट कहा जाता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो काम की चीज क्या है, तो यहां पर देखो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आर की वैल्यू गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ फैराड है। और अगर मैं यहां पर टेम्परेचर फिक्स कर दूं, सपोज करो कि टेम्परेचर 298 है, आर की वैल्यू फिक्स होती है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको एज इट इज रखो, और F यहां पर क्या है 96500। अगर मैं रख दूं ये 25 डिग्री सेल्सियस 298, R की वैल्यू रख दूं, F की वैल्यू रख दूं, तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास ये इक्वेशन बनेगी और ये इक्वेशन सबसे ज्यादा काम आती है। जब वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो E सेल की वैल्यू किसके बराबर होगी, E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ Q। आप इसको Q कहें, रिएक्शन कोफिशिएंट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। किस किस को याद हो गया, 0.059 अपॉन कैपिटल एन, दिस इज द मेन नर्स इक्वेशन, बट द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर दिस इज द मेन थिंग। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से बताओ ये सबको समझ में आया कि ना आया। नर्स इक्वेशन कहते हैं इसे, नर्स इक्वेशन किस किस को याद है, और ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली ये नर्स इक्वेशन है जो आपको सबसे ज्यादा काम आएगी, सबसे ज्यादा। और अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, नर्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आपका सेल काम करना बंद कर देता है, ठीक है, ध्यान से आप चेक करना मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं नर्स इक्वेशन क्या याद करनी है, तो नर्स इक्वेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर सबको याद होनी चाहिए, दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन कैपिटल एन लॉग ऑफ बेस 10 क्यू, इसको रिएक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं, अगर मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, सेल वहां पर काम करना बंद कर देगा, तो ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इस ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और आप क्यू की जगह पर क्या लिखोगे, के लिखोगे, तो फिर आपके पास नर्स इक्वेशन क्या बनेगी, That is E not cell which is equals to 0.0591, क्योंकि इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई, अपॉन N log of base 10, और यहां लिखोगे K। ये आपके पास इक्वेशन बन रही है। Is this clear? बहुत ही बढ़िया। तो फाइनली ये इक्वेशन है जो आपके सामने है, नर्स इक्वेशन, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पर, ये कहलाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहीं से आपको के सी की वैल्यू निकालनी होती है। ये है आपकी नर्स इक्वेशन इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। फाइनली गिब्स एनर्जी और ई सेल का वैल्यू, ये भी इक्वेशन काफी काम की है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर कोई पूछे कि गिब्स एनर्जी और ई नॉट सेल में क्या रिलेशन होता है, तो आई विल टेल यू, दैट इज डेल्टा जी नोट विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नोट सेल। अगर आपको किसी सेल का ई नोट सेल पता है, ठीक है, तो आप गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हो। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है, फेरेड 96500, और ई नोट सेल। अब ई नोट सेल की वैल्यू आप अभी निकाल के आए हो, वो रख लो, दैट इज 2.303 लॉग ऑफ के सी, निकाले थे ना आप लोग इक्विलिब्रियम पर, समझ में आ गया, तो ये वैल्यू उठा के आप रख दो। मेन फॉर्मूला ये है, इनोड सेल में तो अभी आप निकाल के आए हो इक्विलिब्रियम पर, वही फॉर्मूला मैंने रखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो दिस इज द रिलेशन जो आपको ध्यान रखना। मजे की बात देखो, अगर इनोड सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। जरा समझो, अगर इनोड सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव आएगी, रख के देख लो। इनोड सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये डेल्टा जी तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा ना, तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी। अगर इनोड सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव का क्या मतलब होगा, सेल काम नहीं कर रहा, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो है तो फिर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, समझ में आ गया। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकल के आती है।